अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन बटर गार्लिक प्रॉन्स, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये बन जाती है। तो चलिए जी, हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा, इसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऑलिव ऑयल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसमें लिए हैं 200 ग्राम बटर, उसको मैं पहले मेल्ट कर लूँगी इस तरह से, और जब ये थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी चॉप्ड गार्लिक। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है गार्लिक के इस्तेमाल करने से। अच्छा, गार्लिक जो है वो आपने चॉप्ड ही लेना है और अदरक का इस्तेमाल नहीं करना है। अब गार्लिक डालने के बाद गार्लिक को थोड़ा सा गोल्डन होने के लिए हम छोड़ देंगे। अब ये देखें, थोड़ा गोल्डन हो गया है, तो इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो जंबो प्राउन्स यूज़ किए हैं, जिनको मैंने साफ़ कर लिया था। अच्छा, अब ये प्राउन्स डालने के बाद इनको आपने हाई फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि प्राउन्स में से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और वो इसी पानी में कुक हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पानी की इसमें नीड नहीं होती है। अब बस इसको इस तरह से मैं हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब इनका देखें कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन हो चुका है। अब जब ये गोल्डन कलर हो जाए तो फिर इसमें उसके बाद फिर जो इसके स्पाइसेस हैं वो ऐड होंगे। अब बस मैं इसमें इसके स्पाइसेस डालूंगी। इसमें मैंने पहले इस्तेमाल किया है सॉल्ट, एज़ पर टेस्ट है ये। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, और काली मिर्च के पाउडर के बाद मैं इसमें डालूंगी लाल कुटी हुई मिर्चें एक चमचा। बस ये इंग्रेडिएंट्स डाल के आप इसको फिर से अच्छे से मिक्स करके इसको फ्राई कर लें। अब बस इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद बस मैं थोड़ी ही देर के लिए हल्की आंच पे छोड़ूंगी कि बस इसका थोड़ा अच्छे से कलर आ जाए, क्योंकि अभी भी देखें इसमें अभी भी पानी है और इस पानी को पूरा खुशक करना है। अब ये जो है पानी पूरा अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको बस थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पर छोड़ूंगी, थोड़ा कलर अच्छा सा आ जाए। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी 3 चमचे लेमन जूस के। लेमन जूस जो है वो प्राउन्स में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और बस ये डालने के बाद अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, अभी इसको भी मैंने खुशक कर लेना है, जो लेमन जूस वाटर है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब ये तकरीबन हमारे जो प्राउन्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, ये देखिए। अब जब ये रेडी हो गए हैं तो इनका कितना अच्छा कलर आया है। और अब इसमें जाएगा फ्रेश कोरिएंडर, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है और इसकी वजह से जो है वो प्राउन्स में कलर भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए जो है वो धनिया ज़रूर ऐड करिएगा। चलिए जी, अब हमारे प्राउन्स डन हो चुके हैं। देखिए कितने मज़ेदार ये लग रहे हैं, लेमन बटर गार्लिक प्राउन्स। इसकी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत पसंद आएगी सबको। इसको आप लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहें।